हेलो आप सभी को। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर का केवी बढ़ा लीजिएगा, तभी ये नोटिस आपको साफ साफ दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटा भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन वाला, ठीक है? क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड और इधर उधर घूम के और साथ ही जीके करंट अफेयर्स का आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नोटिस। झारखंड के द्वारा नियुक्ति पत्र जो निकाला गया है, ठीक है, तो देख सकते हैं झारखंड ये एनम प्रतियोगिता परीक्षा 2019 बैकलॉग रिक्त, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही दिखाऊंगा, और नहीं तो आप अन्यथा आप और वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर पर देख सकते हैं रिक्त के विवरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए है, सभी मतलब जाति के लिए है। तो और झारखंड के 24 जिला में है, तो आप अपने अपने जिला के देख सकते हैं कितना सीट है, और टोटल कुल 24 जिला मिला के आपका 287 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये आपका नोटिस आदिम जनजाति के लिए 2% है, ये आपका रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और पात्रता में देखते हैं तो 3 के 1 में देख सकते हैं आप जिस जिला से उस जिला का भर सकते हैं, और साथ में साथ झारखंड का निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप भर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा में आपका महत्वपूर्ण है, तीसरा में देखते हैं ये आपका, चौथा में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे देखते हैं क्या क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेतनमान कितना मिलेगा सैलरी, तो 5,200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2,400, सातवां के वेतनमान के अनुसार मिलेगा, ठीक है। क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो मैट्रिक का और 10वां ये 10 पास होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कम से कम 45%, ठीक है। और साथ में 18 महीना का ANM परीक्षण उत्तीर्ण, ठीक है। फिर देख सकते हैं झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित। अब इधर नीचे देखते हैं, चलिए जल्दी। तो आप उम्र सीमा पे देखते हैं, तो आपका उम्र सीमा न्यूनतम और अधिकतम का जो गिनती होगा कहाँ से होगा, कितना तारीख से, तो 1/8/2019 से होगा, ठीक है। 1/8/2019 और आपका जन्मतिथि से जोड़ घटाव कीजिएगा तो उससे न्यूनतम और अधिकतम पता चल जाएगा, ठीक है। न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए और अधिकतम अनुसूचित ये जनजाति अनुसूचित जाति के लिए ये 40 वर्ष, और आपका ये अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और देख सकते हैं आप, चलिए जल्दी देखते हैं नीचे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की अधिकतर अतिरिक्त छूट दी गई जाएगी, ठीक है। अब चलिए नीचे देखते हैं दोस्तों, तो 7वें नंबर पर देख सकते हैं निःशक्त सैनिक अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो वीडियो मतलब ये जहाँ रोक के देखना चाहिएगा तो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहें आप सभी। तो फटाफट चलिए नीचे देखते हैं, तो 8वें नंबर पर देख सकते हैं आवेदन में नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा, मतलब आपको जो जाति से हैं उसका आपका प्रमाण पत्र देना होगा, जमा करना होगा ऑनलाइन में, ठीक है। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कब से क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं 2/6/2016, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर पे, ठीक है। और वही आप अंचल अधिकारी का पे है तो 19/7/2019 को, ठीक है। मान लीजिए आपका अंचल अधिकारी का, ठीक है, और वह आप 18/7/2019 को बनाए तो आपका मान्य नहीं होगा, 19/7/2019 से ये मान्य होगा, ठीक है। और वही अगर आप अनुमंडल से हैं तो 2/6/2016, ठीक है।
तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे। और अगर तुम वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? उससे बहुत ही मनोबल बढ़ता है। तो चलिए अब जाति प्रमाण पत्र का देखते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपका अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर होना चाहिए, ठीक है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 8-2 में का नंबर में, ठीक है? अब अथवा में देखें, ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा तो उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र इसका मानक पत्र पृष्ठ पर धारित है, ठीक है? देख सकते हैं 25/2/2019 जाति प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है? वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं, और ये पिछड़ा वर्ग 2 के लिए अनुसूची। तो आप सभी देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ 29/8/2012 अनुमंडल पदाधिकारी में स्तर पे जो बनाए होंगे नन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है? तो उसका 29/8/2012 का होना चाहिए ये जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही क्रीमी लेयर के लिए 25/2/2019 से होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं गांव नंबर पे लिखा है 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है? अंचल अधिकारी आप सभी देख सकते हैं, रोक के देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए ये कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी। 4 नंबर पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए ये सेंट्रल लग के मतलब केंद्र सरकार का ये जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, ठीक है? 4 नंबर पे देख सकते हैं पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है? और 6 नंबर में पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी का पत्र मान्य होंगे, ठीक है? सिर्फ स्पेलिंग में भिन्न होना चाहिए बस। चलिए फटाफट नीचे देखते हैं। और एक आज्ञा में देख सकते हैं जो विवाह है 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं का आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट नीचे देखते हैं। और साथ ही स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र अंकित आवेदक पिता के नाम में स्पेलिंग मैट्रिक में आपका भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब चलिए अनुभव का बात करते हैं। तो अनुभव आपका ये अंतिम तिथि तक मतलब जो भरने का है अंतिम तिथि तक कम से कम 5 वर्ष का वास्तविक संविदा सेवा पूर्ण कर ली हो और हो तथा वे निरंतर सेवा में मतलब आप जहाँ काम करते हो, ठीक है? वो तो कम से कम 5 वर्ष हो जाने चाहिए और काम करते हैं आप मतलब काम में होंगे अभी, ठीक है? तो चलिए फटाफट नीचे देखते हैं। फाइव नंबर में देख सकते हैं ये NM के रूप में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय इटकी ये जगह दिया हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र से मतलब आपको जो बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो देख सकते हैं आपको पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है? सब कुछ लीजिएगा, 10वां का सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का और 18 माह का जाति प्रमाण पत्र स्थानीय निवासी ये आपको लेके जाना होगा कैफे में या फिर अपने से भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये परीक्षा शुल्क जो है भुगतान करने के 2 दिन बाद आप फोटो और सिग्नेचर के लिए ये स्कैन कर सकते हैं और साथ में प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और आवेदन की प्रविष्टियों के संशोधन मतलब 14/10/2019 से दिनांक 16/10
के बीच में आप अगर सुधारना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या वो ये जन्म तिथि छोड़कर आप सभी चीज़ सुधार सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कितना लग रहा है ये देख सकते हैं, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 5-9 से शुरू है आपका रजिस्ट्रेशन, 11 बजे से, ठीक है, लास्ट 4-10 तक, ठीक है। आप ये फोटो और हस्ताक्षर अपलोड आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 13-10 तक है, ठीक है। और खान नंबर में देख सकते हैं, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 10-10-2019 तक, ठीक है। और ये आपका ओबीसी जनरल के लिए 1200 लग रहा है परीक्षा शुल्क, और साथ में और अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए आपका 300 लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई पैसा वापस नहीं होगा आपको। ये परीक्षा कैसे भुगतान करना वो दिया हुआ है, देख सकते हैं रोक के। आपका परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो होगा, पद पर चयन हेतु परीक्षा का चयन OMR के आधार पर होगा, ठीक है। और परीक्षा के सभी मतलब MCQ में ही होगा, जिसको आप समझ गए होंगे, बहुविकल्पीय, ठीक है, उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सही उत्तर देने के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे, और साथ में नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो मतलब आप पूरा का पूरा मार सकते हैं, और हिंदी अंग्रेजी में होगा, ठीक है, दोनों में से आप एक ये मारिएगा। उसके बाद फिर देख सकते हैं परीक्षा कितना देर तक होगा, 1 60 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटा होगा। इसमें 50 प्रश्न है, मतलब आप सभी 50 प्रश्न 50ों मार दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आप अगर अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 में हैं तो आपको 40% लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है, लिखित परीक्षा में। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 35% तक। कैसे कैसे मतलब आपको लिखित परीक्षा, मैट्रिक में इंटरमीडिएट, तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा के कार्य अनुभव के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। तो देख सकते हैं, अगर आप 50 अंक का, तो देख सकते हैं रिटर्न होगा कार नंबर में। और अगर आप तकनीकी योग्यता में, आप 10 अंक का होगा, ठीक है, अधिकतम अधिकतम, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं, अगर 60% है उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड है तो आपको पूरा पूरी 10 मिलेगा। और यदि 60% से कम या 45% अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड है आपका 7 मार्क्स, ठीक है। 45% कम है अथवा समकक्ष ग्रेड तो 5 अंक। आप अगर आप ये शैक्षणिक योग्यता पे जाए तो मैट्रिक में आपको अधिकतम मतलब शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 40 है, ठीक है। तो अगर आप 60% से ऊपर लाए हैं या तो आपको 20, और 60% से कम अथवा 45% अंक तक तो 15। अब बी में देख सकते हैं, वही इंटरमीडिएट में अगर सेम है, देख लीजिए, तो इस सब मिला के आपको 150 ये है, ठीक है, सब मिला के पूरा पूरी मार्क्स। अब चलिए देखते हैं, ये आप रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं सिलेबस, चलिए देखते हैं क्या है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी दिखा दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूरत है पढ़ने का, ये मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, एक
एक देख लीजिए आप, ठीक है, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए आप सिलेबस देखते हैं, ठीक है, तो सिलेबस देख सकते हैं फॉर ये NM, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सरिंग है। आप इसका आपका टॉपिक दिया हुआ है वो सब देख सकते हैं। ये बहुत ही आप उतार लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा, तो आपका ये सब टॉपिक है, ये टॉपिक है, उसका पॉइंट है, उसी आधार पर आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आधार, उसके पॉइंट है उस शॉप पे आएंगे, फिर हेल्थ प्रमोशन है, फिर ये सकते हैं न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर पे है, उसके पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका चाइल्ड हेल्थ है नर्सिंग है, फिर मिड वाइफरी पे है। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे, ठीक है।